सांगड़ बारिशों के बाद जानवरों के मरने की शरह में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानब जगह जगह मरने वाले जानवर मौजूद हैं, जिसकी वजह से मजीद बीमारियां फैलने का अंदेशा है। मजीद बताएंगे सांगड़ से इशफाक सुलहरी। जी, इस वक्त बारिश की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त जिला सांगड़ के अंदर सबसे ज्यादा जो बारिश हुई है वो तालका खिपरो में हुई है। यहाँ पर 320 मीटर बारिश हुई है, जबकि दही बोभी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ के भी बहुत ज्यादा इलाका जो है वो मुतासर हुआ है। दूसरी जानब इंतजामिया की जानब से यहाँ पर टेंट सिटी 500 घरों पर मुश्तमिल यहाँ पर टेंट सिटी कायम की गई, लेकिन वो सियासी बुनियादों पर रखी गई है। यहाँ पर जो रिलीफ का काम भी किया जा रहा है वो भी सियासी बुनियादों पर किया जा रहा है। किसी भी तरह का यहाँ पर आवाम को अगर बात कर ली जाए वो रिलीफ की बातें नहीं की जा रही, जबकि दूसरी जानब जहाँ पर फसलें जो है मुतासर हुई हैं, तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर इस वक्त भी बहुत सारे जानवर मर रहे हैं, जिसकी बिना पर यहाँ का आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी जो बीमारियां जो फैलने का अंदेशा है। सर कदाफी साहब, क्या कहेंगे आप इस वक्त इंतजाम के काम? बिल्कुल, खिपरो तहसील के साथ साथ सांगड़ी दे बोभी भी बहुत ज्यादा बारिश मुतासर हुई है, और अभी तक जो है ना रिलीफ का काम बहुत सुस्त जा रहा है। और जो है मुतासरी ने जब हम टेंट सिटी का दौरा किया बोभी का वगैरह, तो हमें खाने पीने की अच्छी अशियाँ नहीं मिल रही, नाकस की अच्छियाँ मिल रही हैं। और रात को जो मच्छरदानी नहीं दी जाती, मच्छरों बहुत ज्यादा है, और पानी बंदियों में पानी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बीमारियों फैलने का खतरा है। और सबसे ज्यादा जो सिस्टम जो बारिशों से अफेक्ट हुए हैं वो जानवर हुए हैं, जो लोग जानवरों को पानी में छोड़ चले गए थे, बकरियाँ भेड़े गाय हजारों ज्यादा मर चुकी हैं, और तूफान फैल रहा है जिससे वबाई अमराज फूटने खतरा, और इंसानों के जानवरों की तरह इंसानों के हलाक होने खतरा है। क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर जरासीम के स्प्रे कराए जाएँ, और हजारों की तरह जानवर मरे पड़े हैं, उनको उठाया नहीं जा रहा, उनको ठिकाने लगाए जाए, उनको डंपिंग की जाए जानवरों को, मरे हुए जानवर हैं जो यहाँ तूफान बीमारियाँ फैला रहे हैं, और हुकूमत चाहिए कि इन जानवरों से इंसानों को बचाएँ। जी, इस वक्त जैसा कि जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर मर रहे हैं, बदबू फैल रही है, और इसके अलावा फसलें तबाह हो गई हैं, लोग जहाँ पे पानी मौजूद है, अगर फौरी तौर पर हुकूमत ने इस पानी को यहाँ से निकालने के इकदाम नहीं किए, और जो मरे हुए जानवर हैं उनको अगर डंप नहीं किया है, तो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर जो बीमारियाँ फैलेंगी वो खदशा है कि आने वाले दिनों के अंदर यह मौत जो है इंसानों में भी बढ़ेगी। और अगर हुकूमत ऐसी चाहती है कि इस तरह के ना हो तो जरूरत समर के फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए, और सियासत हट कर रिलीफ दिया जाए। हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।